बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांच जगह से एक मोटर जो थ्री फेज है या सिंगल फेज है कोई भी है उसको किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा दिखा दो इनको। इसके लिए हमें अगर पांच जगह से कंप्लीटली उसको ऑन ऑफ कराने हैं तो हमको चाहिए पांच एनसी पुश बटन और पांच एनओ पुश बटन। जैसे कि यहां पर पुश बटन हमने लगा रखा है और ये एनसी है जो कि रेड कलर में दिख रहा होगा, थोड़ा नजदीक आ जाओ यहां पर दिखाओ, ये एनसी पुश बटन है और ये एनओ पुश बटन है। हमने इसके लिए क्या लिया है, पांच एनओ पुश बटन और पांच एनसी पुश बटन हमने ले रखा है। और अब इसके द्वारा हम कंट्रोल क्या करेंगे, तो ये कंटेक्टर को कंट्रोल कर लेंगे। कंटेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले भी देना है। हम अभी थ्री फेज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, थ्री फेज मोटर को हम कंट्रोल करने के लिए ये सेटअप बनाए हुए हैं ताकि पूरा क्लियर आपको समझाए। इसको समझाने के लिए हमने ड्राइंग भी रखा है, ड्राइंग के माध्यम से भी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो दोस्तों बता देता हूँ कि एक ओवरलोड रिले हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको समझाने के लिए थ्री फेस मोटर यहाँ पर ना दिखाते हुए हमने एक लाइट को कंट्रोल किया इसके द्वारा। जैसे कि अभी हम ऑन ऑफ करके दिखाते हैं आपको, जस्ट एमसीबी को हम उठाएंगे और यहाँ पर हमने एक पुश बटन दबाया तो ये सेटअप क्या हो गया, ये ऑन हो गया। अब जस्ट यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा, अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो गया। कहीं से भी ऑन कर लेंगे और कहीं से भी ऑफ कर देंगे, कहीं से जैसे मान लो हम यहाँ से ऑन करते हैं, ये पांच में से कहीं भी ये वाला पुश बटन यहाँ पर है, यहाँ से ऑन किया ये ऑन हो गया और यहाँ से ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ हो सकता है। तो इस तरह का सेटअप अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास एक ड्यूल स्टार्टर है और वहाँ पर एक मोटर को उसको कंट्रोल किया जाता है, अभी एक जगह से उसको कंट्रोल किया जाता है लेकिन हम चाहते हैं उसको पांच जगह से या दो जगह से या तीन जगह से या जितना जगह से बोले उतना जगह से उसको कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ करना है, तो कैसे करोगे उसका एक डायग्राम बना दो। और साथ ही साथ अगर कहीं भी ऐसा भी हो सकता है कि एक सेटअप दे दे और कहे कि इसको बनाकर दिखा दो, तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल भी समझेंगे और साथ साथ इसको ड्राइंग के माध्यम से समझाएंगे। अभी जस्ट आपने देख लिया था कि ये हमने ऑन किया और जस्ट इसके द्वारा ऑफ कर दिया, तो ये किस तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने इसको ऑन किया, यहाँ पर लाइट एग्जांपल ले रखा है कि हम लाइट को ऑन कर रहे हैं, लेकिन हम लाइट को नहीं, हम समझेंगे कि अगर मोटर है तो मोटर को कैसे ऑन ऑफ कराएंगे। अगर ये कंटेक्टर को ऑन करा दिए तो हम मोटर को भी ऑन करा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के माध्यम से और साथ ही साथ समझ लेंगे पूरा सेटअप कैसे कंट्रोल किया गया, किस तरह से इसका वायरिंग किया गया है, अगर बड़े जगह पर करना है तो किस तरह से आप करेंगे, पूरा एक्सपीरियंस आपको दूंगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको डायग्राम के साथ इसको समझाते हैं, आ जाओ यहाँ पर और इसको डायग्राम के सारे इसको समझते हैं, आ जाओ यहाँ पर। तो ये है दोस्तों हमारा एक डायग्राम जिसके माध्यम से आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा एक मोटर को पांच जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे चलाते हैं, उसका डायग्राम है। डायग्राम अभी कम्प्लीटली हमने इसको मैच नहीं किया है, इसमें हम समझाने वाले हैं, अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले बता दूं ये है पावर डायग्राम और ये है कंट्रोल डायग्राम। अब पावर डायग्राम तो पूरा कम्प्लीटली कर दिया गया है, इसमें क्या करना होता है, अगर थ्री फेज का हमारा मोटर है उसको अगर ड्यूअल स्टार्टर द्वारा चला रहे हैं तो सिंपल है आर वाई बी, थ्री फेज होगा हमारा थ्री पोल का एमसीबी में जाएगा। तो यहाँ पर हमने एमसीबी का थ्री पोल का सिंबल दे दिया, उसके बाद जस्ट कंटेक्टर के टर्मिनल पर जाएगा, तो ये कंटेक्टर का सिंबल हो गया तो कंटेक्टर में गया, आर वाई बी हमारा आउट हुआ एमसीबी से और कंटेक्टर को आया, कंटेक्टर से आउट होकर के कंटेक्टर में जस्ट हम क्या करते हैं ओएलआर ओवरलोड रिले लगा देते हैं, ओवरलोड रिले से आउट या के टर्मिनल से आउट होता है और डायरेक्ट मोटर को चला जाता है। यहाँ पर मोटर पर स्टार या डेल्टा कनेक्शन में करके मोटर को हम चला देते हैं। अब यहाँ पर कंटेक्टर का कॉइल होता है A1 और A2 जो कि हमने जस्ट यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ पर दिखाओ इस डायग्राम में जो कि कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बस आपने पावर डायग्राम तो समझ लिया होगा, अब चलते हैं कंट्रोल डायग्राम को समझते हैं कि ये सेटअप जो है, तो इधर दिखा दो ये सेटअप है किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे, हम इस मोटर को पांच जगह से कैसे ऑन ऑफ करेंगे उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कंट्रोल डायग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक 6 एम्पीयर का हम कंट्रोल एमसीबी लेना है, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल डायग्राम कंट्रोल को जितने भी कंट्रोल है उसको ऑन ऑफ कराने के लिए कंट्रोल करने के लिए हम 6 एम्पीयर का एक एमसीबी लेते हैं। तो एमसीबी का सिंबल बना दिया और 6 एम्पीयर लिख दिया और यहां से आउट होता जाता है ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले में 95-96 नंबर होता है जो कि एनसी होता है, वहां पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं एमसीबी से आउट करेंगे और ओवरलोड के 95 पॉइंट में ये जो हमारा केबल होगा जो वायरिंग होगा वो जाएगा और 96 से आउट होगा, ओवरलोड रिले के 96 से आउट होगा। जस्ट हम आपको 95 और 96 इस ओवरलोड रिले में बता दूं तो कहां है, थोड़ा इधर दिखा दूं नजदीक आओ, ये हमारा ओवरलोड रिले है और इसके 95 नंबर ये है और 95 को हमने पावर दे दिया एमसीबी से, जैसे कि अपना एमसीबी है
एमसीबी से आउट किया और एमसीबी से जैसे इन किया और सिक्स एम्पियर का एमसीबी और यहां से आउट किया और इसको जस्ट लाते हैं कहां पर, इसको लाकर हम देते हैं एनसी जो कि हमारा ओवरलोड रिले का एनसी टर्मिनल ये है, यहां पर देते हैं और ये 95 है, 96 एनसी होता है, यहां से आउट होता है और जस्ट 96 से जो आउट होगा वो कहां जाएगा उसको देखते हैं। तो 96 से आउट होगा वो जाएगा एनसी पुश बटन, जैसे पांच जगह से कंट्रोल करना है तो पांच एनसी है, तो पांचों एनसी को हमें करना होता है सीरीज में, क्या करना होता है सीरीज में। अब सीरीज का मतलब हुआ कि एक पॉइंट में जुड़ा और दूसरे पॉइंट से निकला और दूसरे एनसी में जाकर के जुड़ जाता है, फिर यहां इसके एनसी से आउट हुआ और तीसरे एनसी में जुड़ जाएगा और यहां से आउट होगा और इस वाले एनसी में जुड़ जाएगा। क्लियर दिख रहा है, थोड़ा और नजदीक कर दो, यहां पर ये एनसी है, ये क्लियर दिख रहा है। अब यहां से आउट होगा और ये जाएगा इस वाले एनसी में, मतलब पांचों एनसी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर देना है। जैसे कि यहां पर भी दिखाता हूं, यहां पर दिखाओ पांचों एनसी को हम क्या करते हैं सीरीज में कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा सिंपल है, पांचों एनसी हमारा क्या है सीरीज में। यहां से जो रिले से आउट हुआ मतलब 96 से आउट हुआ वो आया एनसी के एक टर्न पर, दूसरे से आउट हुआ फिर दूसरे एनसी में गया, इन हुआ आउट हुआ, तीसरे एनसी में इन और आउट होते हुए इन और आउट हुए, मतलब ये सीरीज में हो गया। क्या हो गया, पांचों के पांचों जो हमारा ये पांचों के पांचों जो एनसी पुश बटन होंगे, जैसे यहां पर देखिए ये लिखा है एनसी, एनसी लिखा ना दिख रहा है यहां पर एनसी वन और टू लिखा है, तो एक में आउट कहीं से भी इन करा सकते हैं, आउट करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने एक से लिया और दूसरे से आउट कर दिया। तो इस तरह से एनसी पुश बटन में हमने क्या कर दिया सीरीज में कनेक्शन कर दिया। अब सीरीज में कंप्लीट हो गया, सीरीज के बाद हमने एनसी पुश बटन का तो कनेक्शन कर लिया, अब इसके बाद आता है एनओ का, तो एनओ को हमें करना होता है पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है सिंपल है, एनसी से जो आउट होगा वो हम क्या कर देंगे सबको एक एक पॉइंट में दे देंगे। जैसे कि मान लो कि हम इस वाले एनसी एनओ के यहां पर रजिस्टर करो, ये पांच एनओ दिख रहा है ना, पांच एनओ पुश बटन है, यहां पर से एक टर्मिनल को दे दिया और यहां से हम मेन जो हमारा है उसको दे दिया, जस्ट यहां पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया और सबको हम ऐसे करके दे देंगे, सारे पॉइंट को हम ऐसे करके दे देंगे। तो मतलब सारे एनओ को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, हमने कंप्लीटली कंप्लीट कर दिया सबके एक एक पॉइंट में, सबके एक एक पॉइंट में इनपुट दे दिया। अब एनओ को हमने इनपुट दे देना है, एनओ को हमने इनपुट दे देना है और जो एनओ का आउटपुट होगा ना सारे का आउटपुट, सारे का आउटपुट, सारे का आउटपुट लेना है और एक में क्या कर देना है कनेक्ट कर देना है, एक तरफ सबको कनेक्ट कर देना है। अब यहां से एक पॉइंट निकलेगा और उसको ले जा करके हमें करना है क्या करना है, जो हमारा कंडक्टर का कॉइल A1 है ना उसमें दे देना है। यहां पर दिख रहा है हमने क्या कर दिया, एनओ को एक टर्मिनल को शॉर्ट कर सबको एक तरफ का एक तरफ शॉर्ट करके जो एनसी का आउटपुट था उससे कनेक्ट कर दिया और जो एनओ का आउट है ना सबको एक पॉइंट में लाकर जोड़ दिया और यहां से जो आया वो दे दिया कंडक्टर के कॉइल को, जो कि A1 यहां पर कंडक्टर का कॉइल है ना उसके A1 पर, तो दिखाओ यहां पर नजदीक आओ, ये कंडक्टर का कॉइल है इसके A1 पर हमने दे दिया। तो यहां पर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अब जस्ट दोस्तों बता दूं कि यहां पर हमें एक होल्डिंग पॉइंट भी देना होता है जो कि समझेंगे, तो पहले हमने इतना जो किया है उसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया एनसी तो कंप्लीट समझ लिया था, अब एनओ का कनेक्शन कैसे करना है, तो एनओ का पैरेलल कनेक्शन करना है। इसका मतलब हुआ कि एनओ एनसी का जो एक कॉइल था उसके सारे हमने क्या किया था एनओ के एक एक मतलब इनपुट में हमने क्या कर दिया सबको, हमने जो एनसी से आउटपुट था उसको जोड़ दिया। जैसे कि यहां पर दिखाता हूं मैं, जैसे कि एनसी से जो आउट हुआ उसको हमने एनओ के एक पॉइंट पर दे दिया, जैसे कि हमने एनओ के यहां पर तीन नंबर दे दिया तो सारे को हमने एक एक तरफ जोड़ दिया, जैसे यहां पर भी तीन नंबर जोड़ दिया, ये तीन नंबर चार नंबर मतलब एक तरफ जोड़ दिया, बस एक तरफ सबको शॉर्ट करते हुए जोड़ दिया, जैसे शॉर्ट करते हुए जोड़ दिया इसे लिया और इसके एक एनओ के एक पॉइंट पर जोड़ दिया और इसको भी एनओ पर एक पॉइंट पर जोड़ दिया। दिख रहा है यहां पर पूरा सारे के एनओ पर एक पॉइंट को जोड़ देना, मतलब यहां से जो हमने जो क्वाइल जो हमने एनसी से आउटपुट लिया वो हमने इसको भी दिया और यहां से होते हुए हमने दूसरे एनओ को दिया, यहीं से लेकर तार तीसरे एनओ को दिया और यहीं से लेकर चौथे एनओ को दिया और ऐसे करके पांचवें एनओ तक कंप्लीटली हम सारे एनओ को हमने क्या कर दिया पावर मतलब कि इनपुट दे दिया, जो एनसी से आएगा वो इनपुट हमको एनओ में मिल जाता है। अब एनओ से आउट होता है तो क्या करते हैं एनओ सारे दूसरे एनओ के भी दूसरे साइड के एनओ को भी एक में शॉर्ट कर देते हैं। जैसे यहां पर देखिए अब इस वाले एनओ से जो पॉइंट निकलेगा दूसरे साइड के दूसरे जो पुश बटन है उसके एनओ में गया, दूसरे एनओ इस एनओ से जो निकला वो तीसरे एनओ में, ऐसे करके तीसरे से चौथे में एनओ में आया और चौथे से पांचवें एनओ में आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया हमने इसको पैरेलल कर दिया, पैरेलल मतलब जो हमारा यहां से आउटपुट इन सारे को हमने पैरेलली कनेक्शन, दिख रहा होगा आपको ये देखिए पैरेलल दिख रहा है इधर और इधर दोनों शॉर्ट है, इस तरह से यहां और यहां दोनों शॉर्ट है, तो ये पैरेलल हो जाते हैं, क्या होते हैं पैरेलल, इसलिए बोला जाता है कि पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर हमने
यहाँ तो समझ लिया, और इसमें से जो तार निकलता है, जो इन सबका शॉर्टेज जो निकलता है एनओ के आउटपुट से, वो जाता है क्वाइल को। तो अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, नजदीक आओ, और क्वाइल कहाँ है यहाँ पर। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा ए वन और ए टू, कंटेक्टर में क्वाइल का पॉइंट दिया होता है ए वन और ए टू, दिख रहा है यहाँ पर ए वन और ए टू। जस्ट यहाँ पर दिखाओ, फोकस कराओ, ये ए वन और ये ए टू है। अब जस्ट ए वन को हमने क्या देना है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, तो ए वन को हमने पावर देना है जो कि एनओ के आउटपुट से निकल कर आया है। तो एनओ के आउटपुट से निकला हुआ कौन सा है, जैसे ये लास्ट वाला एनओ है, इसके आउटपुट से ये निकला है, जो हमारा फेज है, फेज यहाँ से गया हुआ है, इसके आउटपुट से जो तार निकल रहा है हमने येलो आउटपुट किया है। तो येलो के जो पॉइंट होना है, येलो आउटपुट है, तो येलो वाले तार को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दिखाओ, क्वाइल के ए1 पर जोड़ दिया, क्वाइल के ए1 पर जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा पावर हमें मिल गया कंडक्टर को। अब यहाँ पर आपने देख लिया, हमने पावर दे दिया कंडक्टर को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम जब पुश बटन को दबाएंगे तो ऑन होगा, लेकिन छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा अपने। तो इसके लिए होल्डिंग देना होता है। तो होल्डिंग के लिए कंडक्टर के ऊपर या तो ऑलरेडी कंडक्टर में एनओ पॉइंट दिया होता है, अगर एनओ नहीं है तो उसके लिए कंडक्टर एड ऑन ब्लॉक एनओ यूज किया जाता है, एड ऑन ब्लॉक लगाते हैं उस पर और एनओ यूज करते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं कंडक्टर में एड ऑन ब्लॉक कहाँ है। जस्ट आपको ये दिखा दूँ कि इस वाले कंडक्टर में आपको कहीं भी आपको नहीं दिया है एनओ, नहीं दिया ना, टर्मिनल वन, टर्मिनल टू, टर्मिनल थ्री दिया है, कहीं भी एनओ नहीं दिया, कहीं भी एनओ नहीं दिया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कि यह है यहाँ पर एड ऑन ब्लॉक, जो कि आपको दिख रहा होगा इसमें एनओ भी दिया है और एनसी भी दिया है, डबल एनओ डबल एनसी का एक एड ऑन ब्लॉक है। अब इसको लगा देते हैं यहाँ पर और इसको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो जस्ट दोस्तों कुछ इसमें करना नहीं है, आपने इसको लगा देना है, ये लग गया। अब लगाने के बाद आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए, जैसे आपने देखा ये जो एक कॉन्टेक्टर का एड ऑन ब्लॉक होता है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, जो ए वन पॉइंट पर हमने जो केबल लाया है, वायर लाया है, उस वाले को एक तरफ से इसको देते हैं, ठीक है, यहीं से हम उठा करके जो हमारा एड ऑन ब्लॉक का एनओ है एक तरफ जोड़ते हैं, और दूसरा जो हमारा ये वाला पॉइंट छूट रहा है ना, इस वाले को डायरेक्ट एनसी के आउटपुट, जो लास्ट वाला एनसी होगा ना, लास्ट वाला एनसी, तो लास्ट वाला एनसी कौन सा है, ये है, इस वाले लास्ट वाले एनसी के जो पॉइंट है वहां से जोड़ सकते हैं, या जो सबसे जो जितने भी एनओ है ना, एनओ के जो इनपुट होगा, जैसे एनओ के इनपुट, इस वाले एनओ का इनपुट ये हो गया, इनपुट ये हो गया, इनपुट ये हो गया, इनपुट ये हो गया, इनपुट तो सेम है, तो कहीं से भी जो एनओ का इनपुट आएगा ना, उस वाले तार को यहाँ से लाएंगे, जो नज़दीक है, ये नज़दीक है तो इसके यहाँ से ला सकते हैं, लेकिन हम तार को फाड़ना नहीं चाहते हैं, आपको डायग्राम साफ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम ले लिया एनओ के इनपुट से लिया और कंडक्टर के एक पॉइंट पर लाकर, जो एड ऑन ब्लॉक है ना दूसरे साइड में, उसको एनओ पॉइंट पे लाकर के जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये होल्डिंग का वर्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसी चीज़ को होल्डिंग कैसे दिया हूं, उसको समझाता हूं यहां पर कंडक्टर पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों यहां से जो हमारा एक तो हमारा ये जो एनओ, ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है एनओ के लिए, जस्ट आपको समझा दिया हूं। तो यहां पर आउटपुट जो हमारा होगा वो तो डायरेक्ट आकर कंडक्टर के ए1 पर जुड़ गया, यहां पर कंडक्टर के ए1 पर जुड़ गया, ए1 पर जुड़ गया, और ये एनओ यहीं से ए1 से ही एक लूप लेकर के हमने दिया है एनओ पर, कंटेक्ट एड ऑन ब्लॉक के एनओ पर, ये येलो वाला एनओ पर जुड़ गया, दिख रहा है दोस्तों एनओ पर जुड़ गया है। अब यहाँ से जो अब ये कंडक्टर के एनओ पर ये जो आउटपुट था वो जुड़ गया, अब जस्ट एड ऑन ब्लॉक एनओ पर एक जुड़ गया, दूसरे साइड भी हमें एनसी, एनसी का जो आउटपुट होगा या जो एनओ का इनपुट होगा उसे एक तार लेकर के होल्डिंग के लिए हम उसी एनओ के दूसरे साइड में जोड़ देते हैं, दूसरे साइड में जोड़ देते हैं, जस्ट यहाँ से आउट हुआ और इसको लेकर जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर सेटअप हो गया कि पांच जगह से कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम होगा। तो आपने कंट्रोल डायग्राम तो पूरा क्लियर समझ लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंट्रोल डायग्राम आपने पूरा समझ लिया कैसे इसको कंट्रोल करना है। अगर आपको कंट्रोल ग्राम समझ में आ गया तो एक बार चलिए इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, एक बार जस्ट हमने कंप्लीट तो कर लिया सेटअप इसको समझने के लिए। जस्ट आपको मैं बता दूं यहाँ पर हमने लाइट लिया है, लाइट को कंट्रोल कर ले, तो इसके लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल, थोड़ा नजदीक आ जाऊं। तो हमने क्या कर दिया है, जस्ट न्यूट्रल को लिया है और यहाँ पर दे दिया है, देखो यहाँ पर जो हमारा ये कंडक्टर है उसके L3 पर दे दिया है, और जस्ट इसके लिए फेज चाहिए था, इस फेज को हमने यहाँ से जगह नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, आप मान लो थ्री फेज मोटर होता, थ्री फेज अलग MCB लगाते और उसके लिए RY भी यहाँ पर दे देते जो हमारा MCB साथ था, और इन यहाँ से हम क्या कर लेते, आउट कर लेते RY और मोटर देते। लेकिन यहाँ पर हम समझाने के लिए क्या कर दिए हैं कि जो A2 है न्यूट्रल उसको हमने ले लिया है यहाँ पर L3 पर, और यहीं से जस्ट NO से बाहर फेज आया था, ये वाला फेज वाला पॉइंट है, तो इसको लेकर के हमने L2 पर दे दिया है, यहाँ पर दिख रहा है, और यहीं से हमने कंडक्टर के L3 जो इस वाले T3 जो है और T2 है उसके लिए ये न्यूट्रल और फेज लिया, जो कि यहाँ से गया और यहाँ से आउट हुआ और बॉल बैक को चला गया है। तो ये सेटअप वर्क कर रहा है। जैसे ही हम इसको ऑन कराते हैं, देखिए दोस्तों ऑन करा करके और हम इसको ऑन करते हैं, तो ये ऑन हुआ और कहीं से भी
ऑफ हो सकता है, कहीं से भी ऑन कर रहे हैं और कहीं से भी ऑफ हो सकता है। तो सिंपल आपने समझ लिया होगा ये सेटअप पूरा, आपने कंप्लीटली समझ लिया होगा कि एक मोटर को पांच जगह से कैसे चलाते हैं। इसके लिए हमने आपको समझाया कंट्रोल डायग्राम क्या है और पावर डायग्राम क्या होगा। तो इस तरह से आप बना करके इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकते हैं और साथ साथ आपकी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर बता दिया किस तरह से हमने इसको कंट्रोल किया है। अगर यहाँ पर मोटर लगा देते तो भी बहुत अच्छा होता, लेकिन इतना सेटअप करने में थोड़ा दिक्कत होता, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। थोड़ा सा साउंड में अगर दिक्कत आ रही है तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर कंपनी के अंदर काम हो रहा है दोस्तों, तो उसकी साउंड यहाँ पर आ रही है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।